हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको पार्ट 20 के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको ये पसंद आए। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाए ग्रैंड माँ के पोते को, जो कि बाहर आके बोलते हैं कि चीज कौन, वो फिर वापस कहाँ चली गई। तो मैम बोलते हैं वापस चले गए, मतलब ना वो कल भी चले गए थे और आपके जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो आए थे उसको छोड़ने के लिए, फिर वो अभी भी चले गए। तो हमारी मैम बोलते हैं तो अभी क्या करें। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, हम देखते हैं पुराने हाउस में, वो वहीं पे हमेशा अक्सर चली जाती है। तो फिर दोनों मिलके वो पुराने हाउस में चले जाते हैं ढूंढने के लिए। एंड एज यूजुअल हमारी ग्रैंड माँ वहीं पर होती है और उनके जो पोते होते हैं वो सबसे सॉरी बोलते हैं कि सॉरी मेरी ग्रैंड माँ की वजह से आप सबको परेशानी हुई। तो हमारे जो सर होते हैं वो उनको बोलते हैं ये नियन नियन कौन है, वो उनका नाम लेके यहाँ पे मतलब बार बार उनका नाम ले रही है। फिर वो बोलते हैं नियन नियन एक्चुअली मेरे डैड का नाम है, ये उनका निक नाम होता है और ग्रैंड माँ उसी नाम से उनको बुलाते हैं। फिर वो ग्रैंड माँ को बोलते कि ग्रैंड माँ चलो अभी घर चलते हैं, बट ग्रैंड माँ जाते नहीं, सीधा जाके बैठ जाते हैं हमारे प्लेन कायतों के पास और बोलते हैं ब्रो नियन ये कौन है, ये क्यों मुझे ऐसे बोल रहा है। तो उनके जो पोते होते हैं वो बोलते हैं मम्मा ग्रैंड मम्मा देखो अपनी फ़ोटो देखो उसमें कौन है, ये वो नहीं है। तो बोलते फ़ोटो, फिर दादी माँ फ़ोटो निकाल के देखती है और बोलते अरे यही तो है ब्रो नियन, और तुम क्या बोल रहे हो, नहीं यही तो मेरा ब्रो नियन है। तो सब उनकी बातें सुन के हंसने लगते हैं। फिर उनके पोते बोलते हैं एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर है वो आर्मी में ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद और कभी लौटे ही नहीं। और उनको भी हमारे ग्रैंडमा को सब ने बोले कि तुम फिर से शादी कर लो, बट मेरे ग्रैंडमा ने शादी नहीं की। तब से लेकर आज तक वो मतलब वो मेरे ग्रैंडपा जो है उनको ढूंढ रहे हैं। फिर तभी हमारा जो लिंक कैद होता है वो अंदर चला जाता है एंड उसके पीछे पीछे हमारे ग्रैंडमा भी अंदर चली जाती है। इधर जो उनके पोते होते हैं वो सबको बोल रहे होते हैं कि मेरी ग्रैंड माँ तब से लेके आज तक मतलब लोगों को अच्छे से पहचान नहीं पा रही है एंड थोड़ा बहुत उनका याददाश्त भी कमज़ोर हो गया है, इसलिए प्लीज़ आप उसको मतलब माफ़ कर देना, मेरी ग्रैंड माँ जो भी कहे आप सब कोई बुरा मत मानना। तभी हमारा लिन का तो वापस आता है एंड उनके पीछे पीछे हमारे जो ग्रैंड माँ है वो भी आती है एंड उसके पोते बोलते हैं ग्रैंड माँ चलो अभी घर चलते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं यहाँ तो प्रभु युवा नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहीं पे रहूँगी। तो फिर हमारे जो हीरोइन है उसके पास आते हैं एंड बोलते हैं देखो ये मेरी डॉटर इन लॉ कितनी सुंदर है, और हमारा जो हीरो है उनको बोलते हैं ब्रो युवा देखो ये हमारा बेटा और उसकी वाइफ कितनी अच्छी लग रही है ना। लिन का तो उसे पूछते हैं, लिन का तो मन ही मन में बोल रहा था मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो वो ग्रैंड माँ बोलते क्या बोले आप, ना नहीं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कहा। फिर हमें ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है जो कि बैठे होते हैं एंड तभी हमारे मैम मिस चिया वो उनके पास आते हैं पानी लेकर हम बोलते मैम ये पानी पी लीजिए आप प्लीज़ मुझे वो एम्ब्रॉयड के बारे में सब बताइए सिखाइए। तो वो तो गुस्सा करने लगते नहीं मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी, तो ऐसे बोल के देखते हैं कि तभी हमारे लिन का तो एंड हमारे जो सर है वो आ रहे होते हैं एंड हमारे जो ग्रैंड माँ होती है वो पानी लेके उसके पास चले जाते हैं लिन का के पास एंड बोलते ब्रो यन ये वाटर पी लो। तो वो बोलते थैंक यू। तो फिर जाके वो बैठ जाती है तो हमारी मैम जो ग्रैंड माँ को होते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं बट ग्रैंड माँ तो समझ ही नहीं रहे होते हैं और जो हमारे सर होते हैं वो उसको देख देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। तो मैम बोलते हैं चुप करो मुस्कुराओ मत मुझे काम करने दो। तो फिर ऐसे बोल के हमारी मैम लिन कायतो के पास जाते हैं एंड उसको बोलते हे लिन कायतो मैं तो हेल्प करो ना, तो ग्रैंड माँ को बोलो ना मुझे तो सिखाएंगे, बोले हमारे लिन कायतो तो साथ साथ मना कर देता है। तो हमारी मैम उसको मानने के लिए ऐसे बस एक्टिंग करते हैं। तो तभी हमारे ग्रैंड माँ होते वो बोलते अरे अरे मेरे ब्रो यान को मत मारो। तो बोलते नहीं नहीं मैं मान ही रही हूँ मैं बस ऐसे ही कर रही थी। फिर मिस थिया ग्रैंड माँ को बोलती है देखो ग्रैंड माँ मैं आपके लिए डांस कर लूँगी प्लीज़ मुझे सिखाओ ना प्लीज़ प्लीज़। फिर डांस करने लगती है और हमारी हीरो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलती है कि बॉस ने कहा था कि ग्रैंड माँ का जो ट्री है यहीं पर था बट वो अभी नहीं है, तो ग्रैंड माँ भी मेमोरी भी थोड़ा थोड़ा लॉस हो गया है, तो बस मुझे उन्हीं की टेंशन था, मुझे बहुत सैड फील हो रहा है उनको देखते हुए। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमारी हीरोइन बोलती है सीनियर मुझे एक आइडिया आया। तो सीनियर बोलते हैं क्या उनके लिए एक मॉडल बनाए। तो हमारी हीरोइन बोलती आपको कैसे पता। तो बोलते हाँ थोड़ा बहुत तुम्हें मैं जानने लगा हूँ। फिर दोनों मिलके हमारे लिन कायतो के पास जाते हैं एंड लिन कायतो को इस बारे में बोलते हैं एंड लिन कायतो भी ये करने के राजी हो जाता है। फिर वो तीनों खाना बनाने लगते हैं
और हमारी जो हीरोइन होती है वो जो खाना बना रही होती है वो टेस्ट करने के लिए बोल रही होती है। तभी हमारा जो लिन कैट होता है वो देखता है कि हमारा हीरो वहाँ से आ रहा है, तो वो फटाक से वहाँ जाके टेस्ट कर लेता है। तो ये देखे तो हमारा हीरो एकदम चुप हो जाता, दंग हो जाता, यार ये क्या पी लिया बोल कर। तो फिर वो कुछ बोलता नहीं है और लिन कैट तो बोलता है हाँ ठीक तो है बट थोड़ा सल्टी हो गया है। तो हमारी हीरोइन बोलती है थोड़ा क्या मैं पानी डाल दूँ, हाँ हाँ पानी डाल दो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हमारी हीरोइन पानी डाल देती है। यहाँ हमारा लिन कैट और हमारी हीरोइन के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई होती है, दोनों में अच्छे से बातचीत हो रही होती है। तो तभी हमारा जो हीरो होता है वो बोला था बातें कम करो खाना जल्दी बनाओ। तो फिर हमारा जो लिन कैट होता है बोलता है अरे मेरा बेटा पापा से ऐसे कोई बात करता है क्या। तो हमारी हीरोइन हंसने लगती गाइस काम करो क्या बातें साथ कर रहे हो। फिर सब काम करने लगते हैं। तभी वो जो ग्रैंडमा के पोते होते हैं वो आ जाते हैं, बोलते हैं चलो चलो ये ही बनाओ जल्दी से फटाफट बना लो। एंड हमारी ग्रैंडमा भी वहीं पर आई होती है। तो ग्रैंडमा बोलती है मैं प्रोवी उनके पास रहूँगी, मैं उनके साथ रहूँगी, उनकी हेल्प करूँगी, बट उनके पोते उनको वहाँ से ले जाते हैं। फिर हमारा लिन कैट तो एक डम्पलिंग्स बना रहा होता है एंड हमारी हीरोइन पूछ रही होती है कि तुम क्या बना रहे हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ ये एक डम्पलिंग्स है तुम खाओगे ना, हाँ हाँ क्यों नहीं तुम करो मैं देखूंगी और खाऊंगी। तो ये तो देख के हमारा जो हीरो होता है एकदम गुस्से में लाल पीला हीरा सॉरी हरा नीला जो भी बोल सकते हो वो हो रहा होता है। एंड तभी हमारे जो पोते होते हैं ग्रैंड मा के वो आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि आपको मतलब हमारे लिन कैट को बोलते हैं कि ग्रैंड मा आपको ढूंढ रहे हैं प्लीज़ थोड़ा आओ मेरे साथ। तो तभी हमारी जो हीरोइन होती है एकदम से प्यार से उसको बोलते जाओ जाओ ग्रैंड मा नीच से जाओ जाओ। तो ऐसे बोलती उसको भगाने लगती है एंड लिन कैट बोलता है हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। और उनकी ये मस्ती देख के तो हमारा जो हीरो होता है वो एकदम से जलने लगता है। तो वो जाने के बाद हमारी हीरोइन जैसे हमारे हीरो को देखती है तो हमारे हीरो तो एकदम गुस्से से उसको देख रहा होता है एंड हमारे हीरो तो एकदम से चुप हो जाते हैं। ओब्वियसली यार मतलब हम जिनको लाइक करते हैं किसी और को हमारे सामने हंस हंस के एकदम बात कर रहा होता है तभी तो हम तो गुस्सा करेंगे ना, पर बेचारा बोल ही नहीं पा रहा होता है। फिर हमारी हीरोइन ने हमारे हीरो को पूछता है क्या सीनियर आपको एक डम्पलिंग्स आती है क्या। तो हमारे सीनियर मना कर देते हैं। तो बोलता है यार अब मैं क्या करूँ कौन बनाएगा। फिर तभी मिस जिया आती है एंड हमारी हीरोइन को अपने साथ ले जाती है और उसको हमारे जो ग्रैंडमा है उसके कुछ एम्ब्रॉयडरी जो पुराने ज़माने के हैं वो सब दिखाते हैं कि देखो ये कितने सुंदर है ना। तो फिर हमारी हीरोइन बोलते हैं ये तो ग्रैंडमा के ना बट ग्रैंडमा तो आपको सिखाना नहीं चाहते थे, फिर आपको कैसे मिला। नहीं ये वो उनके मतलब बॉस मतलब उनके पोती ने दिया है उनके घर से, कितना सुंदर ना ना हाँ। तो फिर हमारी मैम बोलते हैं कि तुम मेरी हेल्प करोगी ना कैसे। तभी वो ग्रैंडमा को ले आते हैं एंड बोलते हैं ग्रैंडमा ये आपके डॉटर इन लॉ है ना, ना हाँ ना रियल डॉटर इन लॉ, ना हाँ ना एक्चुअली ये ना वो जो आप जो सिखाते हो ना आप जो करते हो एम्ब्रॉयडरी का काम वो सीखना चाहती है। तो क्या सच में। तो हमारी हीरोइन बोलते हैं हाँ ग्रैंडमा मैं सीखना चाहती हूँ। हाँ तुम अच्छी गुड गर्ल हो तुम सीखोगे मुझसे ना, वो बोलते हैं हाँ। तो तभी क्या होता है ना हमारी जो मिस किया होती है वो वीडियो मतलब शूट करने लगती है। तो तभी हमारी जो ग्रैंडमा हम बोल होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं तुम यहाँ से जाओ तुम मत करो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी। तो हमारी जो मिस जिया होती है वो ऐसे ही चली जाती है बाहर एंड जो फ़ोन होता है वो कैमरा को थोड़ा सा बाहर करके रखे होते ताकि जो भी वो सिखाए वो सब रिकॉर्ड हो सके। और इधर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत मुश्किल मतलब कर रहा होता है बना रहा होता है खाना, मतलब एक डम्पलिंग्स बना रहा होता है कि हमारी हीरोइन को पसंद है ना वो सीखना चाहती थी उसको पसंद है तो इसलिए वो बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ करके दिखाऊंगा। तो फिर वो बनाने लगता है। फिर खाने का टाइम हो जाता है, हर कोई खाने में लग जाते हैं मतलब खाने में आके बैठ जाते हैं। तो हमारा जो हीरो होता है अलिन का तो हर कोई सर्व करने लगता है। तो हमारा जो हीरोइन होती है पोता हमारे हीरो को ढूंढने लगता है कि कहाँ है बोल के, और जिससे वो मिलता है तो वो बोलते हैं कि सीनियर यहाँ पे आके बैठो यहाँ पे एक प्लस सीट है। तो ये देखो तो हमारा लिन का तो फिर वहाँ से जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ से जल्दी जल्दी आके वहाँ पे बैठ जाता है, बोलते हैं और कोई सीट नहीं है। तो हमारे हीरो तो उसका मन उदास हो जाता है
तो तभी क्या होता है ना, वो जो हमारे ग्रैंडमा होते हैं वो लिंका के पास आते हैं और बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, वो हमारे मेरे डॉटर इन लॉ है, उसके साथ आप रो ही, उनका तो बैठना चाहिए ना, हमारा बेटा है, आप किसी बैठ रहे हो, चलो उठ जाओ। और हमारे मजबूरी से हमारा लिंका तो क्या करे, उसको उठना पड़ता है और हमारा हीरो वहाँ पर बैठ जाता है। फिर हमारी हीरोइन हीरो को बोलती है कि मैं एम्ब्रॉयडरी जो काम है वो उसके बारे में सोच रही हूँ कि वो हमारी मॉडल के लिए अच्छा रहेगा, जो हम ग्रैंडमा को एज ए गिफ्ट देंगे। तो हमारे सीनियर तो बोलते हैं हाँ ये तो है बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो हमारी हीरोइन बोलते हाँ ये सही है ना, उसको अगर हम वहाँ पर लगाएँगे ट्री के पास तो कितना अच्छा लगेगा। तो सीनियर बोलते हाँ चलो ठीक है, वैसे ही कहते हैं। तो फिर जाके हमारे सीनियर के ना वो जो एक डंपलिंग्स होते हैं वो उसको देने की कोशिश करते हैं एंड वो तो बस उसी के बारे में बातचीत कर रही होती है। फिर हमारे हीरो जो होता है ना उसको डंपलिंग्स देता है और हमारी हीरोइन तो उसको खा लेते हैं, जैसे ऐसे कुछ खा रही है और कुछ बोलती तक नहीं, जैसे बोलने के लिए होती है तो हमारी हीरो एकदम एक्साइटेड होकर उसको देखने लगता है कि हाँ हाँ शायद अभी कुछ बोले, बट हमारी हीरोइन तो वही एम्ब्रॉयडर के बारे में यू नो बातचीत करने लगती है। तो हमारे हीरो का मन उदास हो जाता है एंड ये तो हमारे जो मैम होते हैं वो सब नोटिस कर रहे होते हैं एंड हमारे हीरो जैसे सबको देने लगता है एंड मिस सिया को देता है। तो मिस सिया बोलते हैं वाओ कितना अच्छा तुमने बनाया हो, ये तुमने बनाया ना। तो हमारे हीरो बोलते हैं हाँ। तब जाके हमारे हीरोइन को रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली हीरो उसको दिया था बट उसने कुछ कहा नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ बोलना चाहिए था, उसने कुछ कहा नहीं। तो बेचारे को थोड़ा ख़राब लगता है। फिर हमें मिस सिया एंड हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि दोनों मिलकर सिलाई कर रहे थे एंड तभी मिस सिया उसको बोलते सामने में तुम कब आ रही हो हमारे डिपार्टमेंट को, प्लीज़ आ जाओ ना, देखो तुम कितना अच्छे से कर रहे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे टाइम वेस्टेज करो। तो हमारी हीरोइन बोलती है मैम मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए ना। तो मैम बोलते यही तो प्रॉब्लम है, और टाइम नहीं है, तुम जितना जल्दी आओ ना उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो फिर हमारी हीरोइन बोलते ठीक है मैम मैं ट्राई करूँगी। फिर हमें इधर दिखाया जाता है हमारे लिन कहते को, जो कि वो दोनों ने मिलकर मतलब तीनों ने मिलकर डिसाइड किया होता है जिस टॉपिक पे जिस ड्राइंग में हम फॉलो करके जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको वो चेंज कर दिया होता है। तो ये है कि हमारा जो सीनियर होता है उसको बहुत डांटते हैं कि तुम क्यों चेंज कर दिया, पता है ना चेंज करने से कितना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कितना अच्छे से हमारा ड्राइंग में जा रहा था। तो हम दिन कहते बोलते मैं तुम्हारे ड्राइंग में क्यों जाऊँ, मैं अपना ड्राइंग खुद का बना सकता हूँ, मैं अपना खुद का कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फॉलो करना नहीं चाहता। तो दोनों में थोड़ा बहुत बहस हो जाता है एंड वहाँ से हमारा दिन कहते चला जाता है एंड बाहर आके बैठ जाता है एंड तभी हमारे जो ग्रैंडमा है वहाँ पर आते हैं एंड बोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे आ गई। तो तभी हमारी जो हीरोइन होती है वहाँ पर आ जाती है एंड बोलते हैं ग्रैंडमा यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से ना, क्या तुम मेरी डॉक्टर इन लो। तो हमारी हीरोइन बोलती है हाँ क्या आपको याद नहीं है ना, अच्छा ना आप किसको ढूंढ रहे हो ना, मैं तो किसको ढूंढ रही थी बट मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं किसको ढूंढ रही थी। तो हमारी हीरोइन बोलती है ब्रोयन 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 कौन ना, आपको याद नहीं आप उनसे शादी किए थे ना, ओह हाँ हाँ याद है याद है मैं ब्रोयन को ढूंढ रही थी हाँ। तो फिर हमारी हीरोइन बोलती है आपको नहीं लगता ये ब्रोयन है यहाँ पे खड़े। तो हमारी ग्रामा हमारी इनका तो थोड़ा अच्छे से देखते हैं बोलते हैं ये ब्रोयन। तो तभी हमारे हीरोइन बोलते हैं ग्रैंडमा आप तो भूल जाते हो, चलो अभी आप थोड़ा रेस्ट करो, ब्रोयन कहीं नहीं जाएंगे ठीक है। तो फिर हमारी हीरोइन हमारी ग्रैंडमा को वहाँ से ले जाती है। फिर हमारे यहाँ लिंका तो बहुत सोचता है और फिर हमारे हीरो के पास जाता है और बोलता है सॉरी मैंने जो किया उसके लिए सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ। फिर हमारे हीरो बोलता है मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या, तुम करो तुम्हें कौन मना किया। तो हम लिंका तो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ काम करना तो नहीं चाहता बट ये प्रोजेक्ट को मैं फिनिश करना चाहता हूँ। फिर दोनों मिलके रेडी करने लगते हैं एंड फाइनली उनका प्रोजेक्ट हो जाता है एंड तभी हमारी हीरोइन भी आती है एंड बोलती है मैंने भी अपना ख़त्म कर लिया एंड मिस जिया भी आती है बोलती है मैंने भी कर लिया, मतलब सबका हो जाता है एंड मिस जिया हमारे लिंका तो को बोलते हैं लिंका तो आओ मेरे साथ। फिर लिंका तो बोलते हैं कहाँ ना आओ तो सही। तो फिर लिंका तो को अपने साथ वो ले जाती है। फिर दादी माँ को दिखाया जाता है जो कि बेटी होती है एंड हमारे हीरो उनको टी दे रहे होते हैं एंड बोल रहे थे कि आपके लिए एक गिफ्ट है सरप्राइज़ है ना, मेरे लिए सरप्राइज़ ना। तो तभी हमारे जो लिंका है तो एकदम से आर्मी का ड्रेस फेस पहन के मतलब वो जो
उनका ड्रेस कोड होता है पहन के आ जाता है। अरे हमारे जो ग्रामा है उसको तो देख के एकदम सॉफ्ट रह जाता है कि वो यार। एंड उनको एक जो वो जो मॉडल होता है वो भी प्रेजेंट किया जाता है, उनको बोलते हैं कि ये आपके लिए है और ये आपका ट्री है। एंड जब भी आपको ब्रोयन की याद आए तब इस घर को देख लीजिएगा और कभी दोबारा ये ओल्ड हाउस को मत आइएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो वो जो हमारे ग्रैंडमा होती है बहुत रोने लगते हैं, बोलते हैं तुम लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया, मैं कैसे तुम लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, समझ में नहीं आ रहा, थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के बहुत रोने लगता है। जहाँ वहाँ पर जो भी होते हैं मतलब मिस या हीरोइन हमारे हीरो जो भी होते हैं ना उनको देख के बहुत इमोशन हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मिस जिया जो कि हमारी हीरोइन से पूछ रही होती है कि ये दोनों कहाँ, तो हीरोइन बोलती है वो एक्चुअली दोनों गए हैं ग्रैंडमा के हाउस में ना वो। अच्छा, तो फिर दोनों में बातचीत थोड़ी हो रही थी तभी हमारे जो मिस जिया होते हैं वो बोलते हैं तुम सीनियर से प्यार करते हो ना, उसको लाइक करते हो ना, तो हमारे हीरोइन एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड तभी हमारे जो सर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, तो हम हमारे हीरोइन उनके पास चले जाते हैं एंड बोलते हैं कि सर हमने प्रोजेक्ट बना दिया है ना। अच्छा, कहाँ दिखाओ ना, वो एक्चुअली हमने ग्रैंडमा को दे दिए हैं बट उसका जो सॉफ्ट कॉपी है ये मेरे फ़ोन में है, आप देख लीजिए। तो सर देखते हैं बोलते हैं वाह कितना अच्छा है, ये सब कौन कौन बनाए ना, हम तीनों मिलके बनाए ना, बहुत अच्छा है तुम्हारी टैलेंट आइडिया, बहुत दिन पर दिन क्रिएटिविटी हो रही है, बहुत अच्छा तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। एंड तभी हमारी जो मिसिया होती है वो हमारे हीरोइन को लेके अपने साथ चली जाए मतलब जाने लगती है। तभी हमारे जो सर होते बोलते हैं मिस जिया मुझे आपके साथ भी कुछ बात करना था, तो हमारी मिस जिया जो होते बोले क्या बात करना था, तो जल्दी बोले मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। तो हमारे जो सर होते हैं बोलते देखो मेरे फ़ोन में वो सब कुछ है, अगर नहीं तो क्या ना तुम्हारा ही लॉस है। तो मिस जिया बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी जो मिस जिया एंड हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है दोनों में बातचीत हो रही थी, तो हमारे मिस जिया बोलते हैं कि तुम क्यों डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि तुम फैशन डिपार्टमेंट में आओगे, क्योंकि तुम्हारा तो इतना अच्छा कर रही हो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हमारी हीरोइन बोलते हैं कि मुझे ये सब चीज़ों में कुछ शौक़ नहीं था बट जब से मैंने इस सीनियर से मिली तब से मुझे एक तो लगा कि मैं कुछ करूँ, तो उनका क्लोज होने के लिए मैं इस डिपार्टमेंट में आई एंड अभी मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो मिस जिया बोले ये तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम फैशन डिपार्टमेंट आओगे तो तुम्हारा स्किल्स और भी इम्प्रूव होगा, यही सही टाइम है, अगर अभी नहीं करोगे ना तो बाद में तुम बहुत पछताओगे, इसलिए अच्छा है तुम इस बारे में सोचो दोबारा। तो तभी क्या होता है ना, हमारे सर का उसके मिस जिया को तो मैसेज आता है कि ये देखो अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा एंड बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें दिखाया नहीं, ठीक है। तो ये देख के हमारे मिस जिया तुरंत वहाँ चली जाती है मतलब हमारे सर के पास। फिर मिस जिया हमारे सर को ढूंढ ढूंढते निकल जाते हैं, फिर वहाँ पर हम सबसे पूछते रहते हैं स्टूडेंट्स को कि कहाँ है सर, तो बोलते हैं वो तो चाय पी रहे हैं। हाँ चाय पी रहे, मुझे बुला के वो चाय पी रहे, तो गुस्से से जाते हैं हमारे सर के पास और बोलते क्या हुआ क्यों मुझे ढूंढ रहे हो, तो हमारे सर उसको बोलते हैं देखो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है, तो ऐसा करके वो उनका फ़ोन दिखाता है जो कि एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। तो वो तो देख के एकदम खुश हो जाती है हमारी जो मिस्तिया होती है, बोलते वाह अब कहाँ से लाए इतना अच्छा है। तो फिर हमारे सर बोलते हैं देखा ना मैंने कहा था अगर नहीं आओगे तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा ना, थैंक यू चलो एक काम करो मेरे फ़ोन को सेंड कर दो। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है एंड हमारे सर भी थोड़ा खुश हो जाते हैं एंड सोचने लगते हैं कि कितना मतलब मुश्किल से वो सब कुछ मिला है उनको रिकॉर्ड कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे फिसल भी गए थे वो जिस जगह में मतलब गांव के एरिया का तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है बिकॉज वहाँ पे रोड वोड वगैरह नहीं होता इतना अच्छा, तो वहाँ पे जाते जाते वो फिसल भी जाते गिर जाते एंड उनको चोट भी लग जाती है, तो फिर भी हमारे मिस जिया के लिए वो रिकॉर्ड करके लाए होते हैं। फिर जाके हमें दिखाया जाता है, फिर हमारे सर सारे स्टूडेंट के पास जाते हैं और बोलते हैं सब ने अपना अपना पैक कर लिया, अच्छे से पैक कर लो देख लो कहीं कुछ छूटे ना, हम अभी निकलने वाले हैं। तो सब बोलते हैं हाँ हमने कर लिया बोल कर, तो हर कोई अपना अपना पैक कर लेता है। तो सीनियर जैसे अपना सब कुछ रख रहे होते हैं तभी सामिया मैम वहाँ पर आती है, तो सीनियर बोलते हैं सामिया मैम तुमने अपना सब कुछ अच्छे से पैक लेना, तो सामिया बोलते हैं हाँ, तो फिर बोलते हैं सीनियर आज तक मैंने जो भी आपसे सीखा मुझे बहुत उसमें मदद मिली, मैं बहुत खुश हूँ बट अभी के लिए गुड बाय, मैं फैशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रही हूँ, तो
फिर तभी हमारे जो लिनका तो होता है वो तो एकदम से एक सब बॉक्स ले आता है, ऊपर बस में होता है एंड फेंकने लगता है उसमें एंड सब उड़ने लगता है, आई डोंट नो व्हाट दैट। तो फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।